इसने कोई कसर नहीं छोड़ी आपको सड़क पे लाने पे, और आप अभी भी इस पे एतबार कर रहे हैं। आस्तीन का सांप है ये, और अगर आप फिर भी इसे अपने ऑफिस में रखना चाहते हैं ना, तो आपकी मर्जी, लेकिन अगर आप इसे मेरी जिंदगी में शामिल करना चाहते हैं तो एक बात सुन ले बाबा, मैं ज़हीन से खुला नहीं लूंगी। मेरी बात मानो, तुम एहसन का दिल ज़हीन की तरफ से साफ करो और उसे मजबूर करो कि वो सारा को ज़हीन के साथ इज्जत से रुखसत कर दे इस घर से। ज़हीन ये कह रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ इनके पास कोई वारंट है। कैसा वारंट, क्या इल्जाम है मुझ पर? तुमने हयात इंटरप्राइज के कारोबारी रात फरोख्त किए हैं। भाई ये इल्जाम है मुझ पे? ये बात थाने में जाके साबित करना। अभी चलो हमारे साथ। कैसे ले जा सकते हो मेरे बेटे को थाने? कैसे राज ज़हीन, ये क्या कह रहे हैं? और अगर तुम पर कोई इल्जाम था अभी तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? भाई मुझे मौका ही नहीं मिला, अंदाजा ही नहीं था कि वो इस हद तक जा सकते हैं। मगर कौन, ये कंप्लेन किसने कराई तुम्हारे खिलाफ? एहसन साहब ने। लो, अब ये कसर बाकी रह गई थी कि मेरे बेटे पे इल्जाम लगा के उसको जेल भिजवाना चाहते हैं। अरे उनसे पूछे तो सही जाके आप कि वो आखिर चाहते क्या है हमसे। और सही, तू तलाक दे दे इस लड़की को, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब्बा अब्बा समझाएं अम्मा को प्लीज। मैं ऐसे सबसे बात करता हूँ ना। कोई जरूरत नहीं अब्बा उनसे बात करने। हम जितना उनके अदब और एहतराम में मरे जा रहे हैं वो उतना बदलिहाजी पे उतरे में। यानी हमने उनकी बात नहीं मानी तो वो इस तरह से अब ज़हीन को बदनाम करेंगे। मेरा भाई बेकसूर है, मैं करूँगा इसके लिए वकील। और तुम परेशान बिल्कुल भी मत होना, मैं तुम्हारी जमानत का बंदोबस्त करता हूँ। क्या होगा? परेशान बिल्कुल नहीं होना आप। अच्छा तो कैसे कैसे रहेगा? मैं बहुत जल्द वापस आ। चलिए बहुत हो गया, और भी काम करने में चलिए। अरे काले कर जा रहे हो उसे, मेरा बच्चा सही। अरे कहाँ लेकर जा रहे हो मेरे बच्चे को? अरे कुछ करे ना आप, देखे कहाँ लेकर जा रहे हो उसे? कुछ कर ऐसे साहब को फोन करे खुदा के लिए, मेरे बच्चे को लेकर जा रहे हैं ये लोग। क्या होगा उसका, क्या हाल करेंगे उसका थाने में खुदा के लिए? क्या करेंगे ये लोग उसके साथ? चलो अंदर चलो। सही सही कुछ करें, ऐसे साहब को फोन करें खुदा के लिए। क्या करेंगे वो लोग थाने में उसके साथ? मेरा बच्चा। तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो वहाज? मैंने ऐसा क्या किया? तुम सारा से शादी करने चले हो? ये एहसन का ख्याल है। और तुमने इस नए ख्याल में अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। शाजमा मैं तो खामोश हूँ ना। खामोशी नीम रजामंदी होती है वहाज। अच्छा तो तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं खट से उन्हें मना कर दूं कि मैं उनकी बेटी से शादी नहीं करना चाहता, मैं उनकी बीवी से मोहब्बत करता हूँ, ये कह दूं उन्हें मैं? देखो शाजमा, एहसन का सारा से शादी के लिए कहना इस बात का सबूत है कि वो हम पर एतबार करता है, जबकि सारा के आ जाने के बाद हमारे पास टारगेट अचीव करने का टाइम कम रह गया था। एहसन का एतमाद दोबारा जीत लेने से हमारे लिए आसानी हो गई है। हम दोबारा से खुलकर काम कर सकेंगे। हमें खुल के काम करने की जरूरत नहीं है अब, हमारा काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। और अगर अब कोई बात खुलती है तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। हाँ तो फिर तुम एक काम करो ना, तुम मेरे पास आ जाओ। हम एहसन को जाकर बता देते कि हम अब तक उसे धोखा दे रहे थे और अन करीब उसे आखिरी धचका देकर यहाँ से भागने वाले हैं, ये बता देते हैं उसे। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ महाज,
प्लीज मेरी बात पे गौर करो। यानी अब पूरा हाथी निकल गया और सिर्फ तुम रह गई है और मैं अपना काम खराब कर दूं। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि एहसन जहीन के साथ क्या करेगा? हालांकि उसने तो एक पैसे का भी फ्रॉड नहीं किया। सोचो सोचो हमारे साथ वो क्या करेगा। शाज़मा बस थोड़ा सा सबर करो। अगर तुम अपनी आंखों से शक की ऐनक हटाकर देखोगी ना तो तुम्हें मेरी मसलतें समझ में आ जाएंगी। अरे हाँ, मी सौरा के बाप ने तलाक ना देने पे किया होगा ऐसा। अरे नहीं, जहीन ने एहसन साहब की कंपनी में कोई हेरा फेरी की थी। हाय अल्लाह, जहीन ऐसा भी कर सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि जहीन ने किया होगा। नहीं अम्मी, जहीन नहीं कर सकता ये। अरे तो फिर कोई किसी को ऐसे कैसे गिरफ्तार करवा सकता है? छोड़े अम्मी, वो एहसन साहब है, कुछ भी कर सकते हैं। अरे फिर तो बहुत बुरा हुआ। अरे उसको बेकसूरी पुलिस पकड़ कर ले गई। अच्छा है ना, बड़ा सारा सारा करता फिर रहा था, अब उसको पूरी डस्ट पड़नी चाहिए सारा की तरफ से। और मजे की बात तो सुने, कह रहा था कि खोला का नोटिस ना उसने नहीं भिजवाया बल्कि उसके बाप ने भिजवाया है। अच्छा अच्छा अम्मा, मैं ना बाद में बताती हूँ सारी बातें। अच्छा अच्छा, जुलेखा की तो बता, क्या हाल है उसके? रो रही है अम्मा बाहर बैठ के। अब्बा और अनवर गए जमानत करवाने। खुदा हाफिज। अच्छा चल, अल्लाह हाफिज। सुन लिए जहीन के कारनामे? मेरा दिल नहीं मानता अम्मी कि जहीन ऐसा किया होगा। अरे बस रहने दो, लोगों का यही है, अंदर से कुछ होते हैं बाहर से कुछ और नजर आ रहे होते हैं। ऐसा तो ना कहें अब आप। अच्छा बस सज्जो, ज्यादा ना उनकी हिमायत करने की जरूरत नहीं है, चुप करके घर में बैठी रहो। ये ना सुनोगे तुम अफसोस करने चल पड़ी हो उनके घर। मैं तो यही सोच रही थी वैसे। देख सज्जो, बता रही हूँ मैं तुझे, अगर तूने वहां फोन भी किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे कोई रिश्ता नहीं रखना हमें उन फ्रॉडी लोगों से। वाह अम्मी, शबीर भाई ने जो किया था ऑफिस में आप भूल गई? साबिर खालू ने मदद की थी वापस थाने से लाने में। बस कर दो, बस जबान चल रही तेरी। मैं तो बस एहसान फरामोशी की बात कर रही थी। ये जो आप ताल्लुक खत्म करने की बात कर रही हैं, बच्चों को अब तलाक दिलवाएंगे अब आप? ठहर ठहर, अभी बताती हूँ तुझे मैं। मैं तो बस वैसे ही बात कर रही थी। उनकी हिमायतन। तुमने हयात इंटरप्राइज के कारोबारी राज फरोख्त किए हैं। कैसे राज हैं ये, क्या कह रहे हैं? और अगर तुम पर कोई इल्जाम था अभी तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? पचास लाख पे तुमने सौदा किया कंपनी के सीक्रेट शेयर करने का, अरे जिसकी वजह से एहसन साहब को करोड़ों का नुकसान हुआ है। कंपनी का दिवालिया निकालने में तुम्हारा हाथ है जहीन, और आज मैंने तुम्हें बेनकाब कर दिया। अब देखना मैं तुम दोनों के साथ क्या करता हूं। मैं तो यहां से निकल ही आऊंगा क्योंकि मैं बेगुनाह हूं, लेकिन तुम दोनों को अब मैं छोड़ूंगा नहीं। साबरा जी, बीबी जी, खाना रेडी हो गया? जी तैयार है, आप कहें तो लगा दो। नहीं, मेरा एक काम करो, तुम जाओ अभी अंदर। अब जा।
हो जाओ, शाबाश। सारा बीबी? हाँ? वो आपको ना एक बात बतानी थी। कहो। वो ज़हीन साहब है ना, उन्हें ना पुलिस पकड़ के ले गई। हाँ? क्या? वो साहब शाजवा बीबी से बात कर रहे थे तो मैंने सुन लिया। ये क्या हो गया यार? पहले ही तुम कम परेशानियों में घिरे हुए थे, जब ये सब भी। शुक्र है यावर के तू आ गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी। इन लोगों ने तो मेरा फोन भी ले लिया है। मुझे तो आना ही था जी, तू इस हाल में है तो मैं कैसे नहीं आता यार। प्लीज जल्दी से कुछ करके मेरी जमानत करा दे, मैं बेकसूर हूं, मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं, मगर हम ये साबित कैसे करें? तुम्हारी बैंक स्टेटमेंट दिखाई जा सकती है, लेकिन ये नाकाफी सबूत होगा। वो कह देंगे कि उन्होंने कैश डिलीवर किया था। हाँ तो मेरे घर की तलाशी ले ले, इससे मैं बेगुनाह साबित हो जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है, कुछ भी ना मिलने की सूरत में ये जान बख्शी कर देंगे? ये थर्ड डिग्री के इस्तेमाल पर उतर आएंगे, क्योंकि मुदई एहसन साहब है, उनके खाते तो ये पुलिस वाले ना हाथी से भी उगलवा लेंगे कि वो हिरन है। एक बार मैं यहां से बाहर निकल जाऊं, फिर शाजमा और वहाज को उन्हीं की जुबान में जवाब दूंगा। यावर यार, तू मेरे बॉस तेरे चचा है ना, तेरी बात पर यकीन करेंगे, उनसे बात करना। तू परेशान ना हो, वो हमारी मदद जरूर करेंगे, मैं बस यहीं से डायरेक्ट जाता हूं, तू हिम्मत रख। ऐसा क्यों किया आपने बाबा, जब मैं आपसे कह रही हूं कि ज़हीन ऐसा नहीं है, उसने आपको कोई धोखा नहीं दिया, कोई फ्रॉड नहीं किया आपके साथ, आखिर आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? तुम ही ने वर्क लाया ना बाबा को, तुम ही मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई हो। ये सब हरकतें तुम इसलिए कर रही हो ना ताकि मुझे इस घर से दोबारा निकलवा सको। अपनी बकवास बंद करो सारा, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। मैं तो तुम्हारी वेल विशर हूं, लेकिन तुम ऐसा क्यों मानोगी? एहसन से पूछो, मैं एहसन को काफी अरसे से ज़हीन के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूं, एहसन को बोल रही हूं कि ज़हीन को माफ कर दे, लेकिन तुम कहां सुनती हो मेरी बात? ज़हीन को माफी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने बाबा के साथ कोई फ्रॉड किया ही नहीं है। ये सब तुम लोगों ने किया और सारा इल्जाम उसके सर पर डाल रहे हो। हम तुम्हारी तरह चालाक नहीं है, इसलिए तुम्हारे खिलाफ सबूत नहीं इकट्ठे करते। ज़हीन बेकसूर है, फंसाया तुम लोगों ने उसको। ज़हीन अगर बेकसूर है तो साबित करे, वरना सजा भुगतने के लिए तैयार रहे। बस भी करो ना, कब तक रोगी? जो होना था सो हो गया, अब आगे की सोचो। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? हमने उनका नमक खाया है, सालों हम उनके वफादार रहे हैं। मेरा बेटा उनको कैसे धोखा दे सकता है? अरे कोई उनको जाके समझाए कि ज़हीन ऐसा नहीं है, उसने ऐसा नहीं किया। अम्मा एक बात तो आप मेरी मान लें, सारा को तलाक ना दिलवाने की वजह से वो ज़हीन के साथ तो ये सलूक कर रहे हैं। आप ज़हीन को क्यों नहीं मनाती कि सारा को छोड़ दे? अम्मा
आखिर उस लड़की में है क्या ऐसा? भाई देखे, इज्जत वो जहीन की नहीं करती, मोहब्बत वो उससे नहीं करती, उल्टा उसकी नौकरी भी चली गई सारा की वजह से। वाह भाई, किस कदर एहसान फरामोश लड़की है अम्मा। जहीन को सारा ने तो गरगलाया था निकाह करने के लिए और आपकी जिंदगी अजाब बना दी। अम्मा उसे तो जहीन की कदर करनी चाहिए थी, शुक्रगुजार होना चाहिए था, मगर ये क्या, उसको जहाँ कोई दूसरा आसरा मिला वो तो वहाँ चलती बनी। माँ मुझे खुद एक बात बताएं, ऐसी लड़की से मोहब्बत करने का क्या फायदा जिसमें इंसान की इज्जत ही चली जाए। माँ वैसे अब तो मोहल्ले वाले भी ना तरह तरह की बातें बनाना शुरू हो गए। इस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, फोन करके पुलिस तक बुलवा ली थी इसने। तो ठीक कह रही है शबाना, ठीक कह रही है बिल्कुल। इस रिश्ते में तो हम खसारे में ही रहे। अम्मा वैसे बुरा मत मानिएगा, मैं बिल्कुल भी मौके का फायदा नहीं उठा रही, ना ही मैं अपनी बहन की हिमायत कर रही हूँ। लेकिन अगर सारा की जगह सज्जो होती, या फिर फर्ज करें सज्जो जैसी कोई सीधी साधी लड़की होती, तो क्या हम आज सुकून से नहीं रह रहे होते? बताएं आप मुझे। काश इस घर में सज्जो दुल्हन बन के आ जाते, लेकिन मेरे बेटे के नसीब में ना सारा ही लिखी थी। अरे मैं तुझे कैसे बताऊं, तुझे तो सब कुछ पता है कि किस तरह वो उसकी जिंदगी में आई है। अच्छा ना माँ, परेशान मत हो, कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। सही तो हमारा बेकसूर है, मासूम है वो, माँ लम्हियों से जरूर बचा लेगा। आप परेशान मत हो। अल्लाह तेरी जबान मुबारक करे। क्या हुआ, छोड़ दिया मेरे जहीन को उन्होंने? अरे इतनी आसानी से भला कैसे छोड़ सकते हैं वो अम्मा? तो क्या मतलब, क्या वो वही रहेगा? कैसी बात रहेगा, कैसी बातें कर रही हो? हमारा बेटा बेगुनाह है, और देखना इस बात पे असल साहब भी शर्मिंदा होंगे बाद में। अरे मुझे उनकी शर्मिंदगी से क्या लेना देना। आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोग इतनी देर से बाहर थे, आपने क्या किया उसके लिए? कुछ नहीं कर सके अम्मा उसके लिए, और मुझे तो आज इस बात का एहसास हो गया कि इस दुनिया में हमारा कोई हमदर्द नहीं जो हमारी मदद कर सके। एक एहसन साहब का सहारा था, मगर अब वो भी हमारे खिलाफ हो गए। मैं तो परेशान हो गया हूँ सुलेखा, कैसे अपने बच्चे की बेगुनाही साबित करूँ? एक वकील से बात की है मैंने, लेकिन वो फीस इतनी मांग रहा है कि घर बेचने के बाद भी पूरी नहीं कर सकेंगे। तो ठीक है, आप मुझे एहसन साहब के पास लेकर चले, मैं उनको समझाऊंगी कि हमने अपने बेटे की परवरिश ऐसी नहीं की है जो वो अपने मालिकों से दगा करे। वो ऐसा नहीं करेगा, नहीं कर सकता वो ऐसा। चले, उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। ये नहीं मानेंगे कि जहीन हमारा बेगुनाह है, सबूत भी कोई नहीं हमारे पास। क्या हमारे पास जहीन की बेगुनाही का कोई सबूत नहीं? लेकिन फिर भी मैं हसन साहब के पास जाऊंगी। अगर वो मेरे बेटे को कसूरवार मानते भी हैं, तो मैं उनके सामने हाथ जोड़ लूंगी, उनको बोलूंगी कि मेरे बेटे को माफ कर दे। मेरा बेटा ऐसा नहीं है कि वो किसी के साथ फ्रॉड करे। वो ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हमने किसी का बुरा नहीं चाहना, तो अल्लाह भी हमारा बुरा नहीं चाहेगा। हौसला रखो। अगर तुम्हें जहीन से जरा भी हमदर्दी है, तो उसे जेल में सड़ने से बचा लो सारा, और ऐसा सिर्फ तुम ही कर सकती हो। नहीं 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 बेटा, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। चाचा आप मेरी बात का यकीन करें, जहीन बिल्कुल बेकसूर है। मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारी बात का यकीन किया, मगर तुम मेरी बात गौर से सुन लो कि ना ही मैं उसकी जमानत करा सकता हूँ, और ना ही मैं उसे दोबारा जॉब पे रख सकता हूँ।
बाबा ने बहुत गलत किया है बेला। सोचो उन लोगों पर क्या गुजर रही होगी जिनकी उम्र भर की कमाई सिर्फ उनकी इज्जत ही हो, और बाबा हमारी किसी बात का यकीन ही नहीं करते। ऐसे भला कौन करता है बेला? ज़हीन पर क्या गुजर रही होगी? उफ़, मुझे तो सोच सोच कर इतनी टेंशन हो रही है। I'm sorry, सारा, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाई। सारा बीबी, वो साबिर चाचा और उनकी बेगम आए। बेला, आंटी और अंकल आए, मैं आती। साहब, मेरे बेटे को माफ कर दे, वैसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता। ये क्या कर रही हैं आप? पीछे हटे, पीछे हटे। ये क्या हरकत है साबिर? साहब, हम गरीब लोग हैं, हम पे तरस खाए हैं, मेरे बेटे को रिहा करवा दे। आंटी, सारा बेटा, अपने बाबा को समझाओ ना कि मेरा ज़हीन ऐसा नहीं है। वो तो भूखा रहकर भी शुक्र करने वालों में से है, वो किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकता, और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं। मैं जानती हूँ आंटी, ज़हीन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर अपने बाबा को बताओ ना कि इन्होंने हम गरीबों पे ये जुल्म क्यों उठाया है। कितनी बुरी बात है साबिर, खुद में हौसला नहीं था मुझसे बात करने का, जो अपनी बीवी को ले आए हो। नहीं नहीं साहब, नहीं, ये मुझे लेकर नहीं आए, मैंने खुद जिद की थी। मैंने सोचा कि शायद आप एक माँ की फरियाद सुन लेंगे, शायद मेरे जुड़े हुए हाथ देखकर मेरे बेटे पर लगाए हुआ इल्जाम वापस ले लेंगे। पहले तो आप कह रही थी कि आपके बेटे से गलती हो गई, उसे माफ कर दे, यानी आप तस्लीम कर रही थी कि आपके बेटे ने मुझे नुकसान पहुंचाया, और आप कह रही है कि मैं केस वापस ले लूं। इतनी फुर्ती से आपने अपना पैंतरा बदला क्या सारा को देखकर? नहीं नहीं साहब, पता नहीं मैं क्या बोल गई, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूं कि मेरा बेटा बेगुनाह है, वो आपको तो क्या किसी को भी धोखा नहीं दे सकता। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि मैंने खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाया और इल्जाम आपके बेटे पर लगा दिया? नहीं नहीं साहब, मैं ये भी नहीं कह रही, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है, मुजरिम कोई और था। और एक ही बात, आप सब लोग एक ही बात कही जा रहे हैं कि ज़हीन बेगुनाह है और कसूरवार कोई और है। सारा बेटा, तुम ही अपने बाबा को समझाओ ना, मैं बूढ़ी ना समझ औरत, मुझे नहीं पता कि किस तरह से बात की जाती है, बस मैं ये चाहती हूँ कि एहसन साहब मेरे ज़हीन को बचा ले, वो किसी को भी धोखा नहीं दे सकता, किसी को भी नहीं। बाबा, क्या अब भी आपका दिल नरम नहीं होगा एक माँ की फरियाद सुनकर भी? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस उम्र में रुस्वा होने से बचा लो। तुम तो इतने दिनों तक हमारे घर में रही हो, तुमने मेरे बेटे में कोई ऐब देखा? तुम तो अच्छी तरह से जानती हो वो तुमसे कितना प्यार करता है, क्या वो तुम्हारे पापा को धोखा दे सकता है? अब एक ही रास्ता है आपके पास, ज़हीन से कहे कि सारा को तलाक दे दे। मैं रिपोर्ट वापस ले लूंगा। ज़हीन की जमानत करवाओ वहाज। मैं जमानत कराऊं? पागल नजर आ रहा हूं मैं तुम्हें? याद रखो वहाज, ज़हीन हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि हमें मसाइल से निकालने के लिए हेल्पफुल है। हमने जितना उससे फायदा उठाना था हमने उठा लिया, अब प्लीज उसकी जमानत करवाओ। वो अपने लिए खुद तो लॉयर नहीं देख पाएगा, कोई सरकारी वकील तो उसे मिल ही जाएगा ना, और वो बाहर आके फिर साबित कर देगा कि उसने रकम नहीं ली। वो कभी साबित ही नहीं कर सकता कि रकम उसने नहीं ली। अच्छा, वो साबित नहीं कर सकता कि उसने रकम नहीं ली, तो तुम कैसे साबित करोगे कि हमने उसे रकम दी?
बात समझने की कोशिश करो बहाज। हमारी असल परेशानी सारा है। जहीन जब रिहा होके वापस आ जाएगा तो सारा से भी हमारी जान छूट जाएगी। जहीन को गिरफ्तार करवाने में तुम्हारा अपना भी बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि तुम चाहते थे कि तुम्हारा रास्ता क्लियर हो जाए और तुम आसानी से सारा से शादी कर सको। ये क्या हर वक्त सारा सारा की रट लगाए रखती हो तुम? सारा से शादी करके फंसना है मुझे? मैं यहाँ से भागने की तैयारी कर रहा हूँ और तुम सोच रही हो कि मैं सारा से शादी करना चाहता हूँ? शाजमा, मैंने दुबई में फ्लैट भी बुक करवा लिया है, तुम्हें पिक्चर्स भी भेजी थी, शायद तुमने देखी नहीं होंगी। मेरे और सारा के बारे में गलत सोचने से फुर्सत मिले तब ना। देखो, मेरा सारा फोकस काम समेटकर जल्द अज जल्द यहाँ से फरार होने पर है। सारा से तो शादी मेरे प्लान में शामिल ही नहीं है, लेकिन इस तरह एहसन को जहनी तौर पर मसरूफ रखने में कामयाब हो जाता हूँ मैं। अच्छा ओके, लेकिन फिर भी हमें जहीन को रिहा करवाने के लिए खुद कोशिश करनी होगी। बात आगे बढ़ने से पहले ही खत्म हो जाए तो अच्छा होगा, वरना हमें एहसन को भी जवाब देना होगा। लेकिन जहीन फिर अलर्ट हो जाएगा कि मैं उसकी जमानत क्यों करवा रहा हूँ। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि मंजूर को बोलो कि उसकी जमानत कराए, किसी वकील को हायर करे। शाजमा, तुम सारा को मजबूर करो ना कि वो जहीन की जमानत करवा ले। एक तीर से दो शिकार क्यों नहीं कर रही हो तुम भाई? अब्बा, आप आ गए। क्या कहा एहसन साहब ने? अम्मा, अब्बा कुछ तो बताएं, आप खामोश क्यों हैं? कुछ तो कहा होगा एहसन साहब ने? अब्बा बोलें प्लीज। अरे क्या हो गया आपको, क्यों बार बार पूछ रहे? नजर नहीं आ रही इन दोनों की हालत आपको? अंदाजा तो लगा ही सकते हैं ना कि क्या जवाब दिया होगा एहसन साहब ने। क्या सारा ने भी कुछ नहीं कहा अम्मा? वैसे कसम से बड़े ही संगदिल लोग हैं। अरे जरा भी लिहाज नहीं किया कि उनकी बेटी को हमने कितने दिनों अपने घर में रखा, खिलाया पिलाया। वैसे तो बड़ा 10 लाख रुपए हमारे हाथ में थमा के जा रहे थे उस दिन, है? और अब देखो 50 लाख रुपए तक का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाए। वैसे अब्बा, बहुत अच्छा होता उस दिन अगर हम उनसे पैसे ले लेते। ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही सुलूक करना चाहिए। वैसे तो मुझे सारा पे ना रहने की हैरत हो रही है। अरे हमारे जहीन का जरा ख्याल नहीं आया उसे? किस कदर जान छड़कता था जहीन उस पे। कह नहीं सकती थी अपने अब्बा से कि छुड़वा ले मेरे मियां को जेल से, मगर नहीं, किस कदर एहसान फरामोश लड़की है तोपा। सादर साहब, हमें जहीन के लिए अच्छा वकील करना पड़ेगा, चाहे हमें ये घर ही क्यों ना बेचना पड़ जाए। आपको नहीं लगता कि आप गलत कर रहे हैं? भला 50 लाख की क्या वैल्यू है आपके सामने? मुझे लगता है आपको जहीन से कोई जिद है। मैं गद्दारी बर्दाश्त नहीं कर सकता शाजमा। मुझे सिर्फ जहीन ही नहीं बल्कि उसने, उसके बाप ने भी धोखा दिया है। मेरी पीठ पर छुरा घोंपा है। तो क्या गद्दारी की बस यही सजा है आपकी नजर में? तुम्हारे ख्याल में मुझे उसे छोड़ देना चाहिए। उस शख्स की जड़ें नहीं काटनी चाहिए जिसने मुझे नुकसान पहुंचाया। काटनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन अगर वो आपकी बराबरी का हो फिर? वो एक गरीब इंसान है, वो तो अपने लिए वकील भी नहीं कर सकता। आप उसे माफ कर दें यही बेहतर होगा। आप बड़े हैं, बड़ेपन का मुजाहिरा करें। आपकी बेटी है उस घर में जी। आपको जहीन की माँ के मुंह से सुन के भी अंदाजा नहीं हुआ कि सारा कितना खुश है जहीन के घर पे। उसने सिर्फ जहीन से शादी इसलिए की थी कि वो वहाज से बच सके, और आप दोबारा से वहाज के पले बांधना चाहते हैं? चले हो सकता है कि सारा ने मजबूरी में जहीन से शादी की, लेकिन ये तय था कि वो वहाज से शादी नहीं करना चाहती थी।
और अभी भी जहीन से तलाक ना लेने की वजह यही है कि आप दोबारा सारा को मजबूर ना करें कि वो वहाद से शादी कर ले। लेकिन अब वो दोबारा घर से भाग नहीं सकती है सर, समझे इस बात को। हाँ बिजी तो नहीं थे? अच्छा वो मैं कह रहा था कि जहीन की जमानत करवा दो। अरे यार समझा करो, जरूरी है। हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि जहीन ने रकम ली है। इससे पहले कि हसन को पता चल जाए कि सब मुक जाए तो बेहतर है। एक काम करना, जहीन को किसी भी तरह पता ना चले कि किसने जमानत करवाई है। और हाँ एक और अहम बात, जमानत के लिए तो फैल शाही से रब्ता करना। सारा, अगर खाना नहीं खाना तो प्लीज सूप पी लो, मैंने खुद बनाया तुम्हारे लिए। मुझे भूख नहीं है। यह तो मैं हरगिज़ नहीं मान सकती, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अब फर्क पड़ रहा है। देखो तुम्हारी तरह मुझे भी यकीन है कि जहीन ऐसा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये भी बात सच है कि एहसन ये सब नहीं मानेंगे। जहीन के साथ ज्यादती हो रही है। तुम्हारे पापा के मुकाबले में जहीन को तगड़े वकील की जरूरत है और जहीन ये अफोर्ड नहीं कर सकेगा। तुम तो जानती हो ये सरकारी वकीलों की कारकर्दगी। और अगर अगर क्या, आज जिस तरह जहीन की वालिदा घर पे आई, तुम्हारे बाबा को बहुत गुस्सा आया। तुम जानती हो सारा, सारी बात तो तुम्हारे सामने हुई थी। अगर तुम्हारे बाबा नाराज होकर गुस्से में मजीद कोई इल्जाम जहीन पे लगा दे तो जहीन का केस कमजोर पड़ता जाएगा। लेकिन मैं हैरान हूँ कि बाबा इसके मामले में इतने रिजिड क्यों हो रहे हैं। ये तो मैं भी नहीं समझ पा रही, लेकिन इसका एक हल है। क्या बताओ ना। पहले वादा करो कि अभी के अभी तुम ये सूप पियोगे। अगर तुम जहीन के लिए कोई अच्छा सा वकील कर लो। मैं? हाँ तुम सारा, अब तुम पहले जैसी सारा हो, स्ट्रॉन्ग। और तुम्हारे पापा ने सारे तुम्हारे क्रेडिट कार्ड्स अनब्लॉक करवा दिए। तुम क्यों नहीं कोई अच्छा सा वकील करके जहीन की जमानत करवा लेती? तुम क्यों अपने बाबा की मिन्नतें कर रही हो? सॉरी मुझे नहीं लगता कि हसन कभी मानेंगे। वैसे तुम्हें उम्मीद है अपने बाबा से? नहीं, मुझे भी उम्मीद नहीं है। बस फिर अगर तुम्हें जहीन से जरा भी हमदर्दी है तो उसे जेल में सड़ने से बचा लो सारा, और ऐसा सिर्फ तुम ही कर सकती हो। अगर बाबा को पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे मुझसे। ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेगी, ये मेरा तुमसे वादा है, अगर तुम मुझ पर यकीन करो तो। सूप पी लेना। या अल्लाह मेरा बच्चा, उसकी हिफाजत फरमाना मेरे मालिक, ना जाने किस हाल में होगा वो।
चल भाई जवान, तेरी जमानत हो गई है। क्या मेरी जमानत? हाँ तेरी जमानत, बस थोड़ी देर में अप्रूव हो जाएगी, जब तक ऐश कर। किसने कराई मेरी जमानत? अरे तू आम खाना, पेड़ क्यों गिनता है? चल भाई शबीर चाय लेकर आ। अब्बा इन्हें नाश्ता। शबाना अम्मा को तो बुला लो, अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई, देखो कहीं सो ना रही हूँ। अम्मा तो फजर के बाद से सोई नहीं है, जहीन के कमरे में है सुबह से। अच्छा अच्छा तुम बाकी का नाश्ता लगाओ, मैं देखता हूँ अम्मा को। चले नाश्ता कर ले। क्या हुआ अम्मा? चले ना बाहर, अब्बा इंतजार कर रहे हैं, नाश्ता ठंडा हो रहा है। अपने अब्बा को बोलो जब तक मेरा सही नहीं आ जाता मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अम्मा फिक्र मत करें, जहीन आ जाएगा। मुझे फालतू की बातों में मत बहला, अगर मेरी इतनी फिक्र है ना तो अपने भाई के लिए कुछ कर, कर्जा ले, जेवर बेच, घर बेच, लेकिन मेरे जहीन को वापस लेकर आ। ये सब चीजें तो फिर बन जाएंगी लेकिन मेरा जहीन अनमोल है। अच्छा मैं कुछ करता हूँ अम्मा, लेकिन आप चले उठे पहले नाश्ता कर लाए। नहीं पहले जहीन फिर नाश्ता। Yeah.